और अब बात बेमित्रा की करेंगे, जहां पर सहयोग 53वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन एलायंस स्कूल के मैदान पर किया गया, जिसमें 28 राज्यों के 1000 बालक बालिका, 200 कोच और मैनेजर शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद विजय बघेल और विधायक आशीष छावड़ा ने किया। एलायंस पब्लिक स्कूल और छत्तीसगढ़ खो खो फाउंडेशन के इस आयोजन में डॉक्टरों और रहने खाने की पूरी व्यवस्था भी की गई। हम महाराष्ट्र से आए हैं, मेरा नाम अपेक्षा सुतार है। यहाँ हमने खो खो प्रतियोगिता में भाग लिया है। यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले ईयर भी हमने गोल्ड मेडल लिया है और इस ईयर भी हम गोल्ड ही जीत कर जाएंगे। हमने बहुत प्रैक्टिस की है तो जीत कर ही जाएंगे। छत्तीसगढ़ से खेल रही हूँ मैं और यहाँ 32 बॉयज टीम और 30 गर्ल्स टीम आई हुई है। लगभग 12,000 बच्चे हैं और 200 टीम मैनेजर कोच हैं। ये खो खो का गेम है और ये हमारा छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय ये है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार इतना बड़ा लेवल का कार्यक्रम हो रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में नेशनल खो खो चैंपियनशिप होना ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हो रही है। इसके अंदर जो है नियर अबाउट 36 लड़कों की और 32 लड़कियों की टीम आई है, जिसमें 15-15 टीम मेंबर्स हैं। उसके बाद 100 के करीब हमारे ऑफिशियल्स हैं जो मैच खिला रहे हैं या इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं।